तो अभी का जो मेरा सफर है, जो आज मैं जाने वाला हूँ, वो है मनाली से काजा के लिए। बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारी तकलीफें होंगी, थोड़ा वक्त भी लग सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सफर मनाली से काजा के लिए। सबसे अहम प्रॉब्लम क्या होती है, जब ये सारा सामान लद जाता है तो बैठना सबसे बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि आपने देखा ना कि कितना सामान था। ओके, सो काजा यहाँ से 185 किलोमीटर हैं, और आज मेरा डेस्टिनेशन जो है वो काजा ही है। 4 घंटे 40 मिनट लगेगा यहाँ से, बता रहा है गूगल आंटी, बट अगर रुकते रुकाते हम लोग जाएंगे तो डेफिनेटली मुझे लगेगा 6 घंटे, और रुकते रुकाते ही जाना चाहिए। भाई कितनी जल्दी क्यों है, वेंसडे को मेरी क्लास है जो मुझे लेनी है, उसके लिए मुझे एक ज़बरदस्त इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। अब मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि काजा में, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, कि इंटरनेट कहाँ पे ढंग का मिल सकता है, होटल कौन से मिल सकते हैं, क्या होम स्टे में इंटरनेट होगा नहीं होगा, ये सारी चीज़ें आज पता लग जाएंगी और कल एक्सप्लोर करेंगे। और परसों अगर इंटरनेट सही मिला तब तो काजा में मैं रुकूंगा, अदरवाइज मैं निकल जाऊंगा चंडीगढ़ के लिए, क्योंकि मुझे अब क्लास को और ब्रेक नहीं करना। ऑलरेडी 1 हफ्ते का गैप हो चुका है, मैंने अभी कोई चाय नहीं पी, कोई नाश्ता नहीं किया, सिंगल हाथ में मैंने ग्लव्स लगाए, ये वाले हाथ, राइट हैंड में अभी ग्लव्स नहीं पहने, क्योंकि अभी मैप ऐप कुछ सेट करना होगा, एक आध जगह पे कॉल्स वॉल्स करनी होंगी, सबको मैसेज करने होंगे, कुछ स्टोरीज पोस्ट करनी होंगी, कुछ पिक्चर्स लेनी होंगी, तो इससे नहीं हो पाता है। GoPro में तो सिंगल बटन से। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और, जब मैं चला था लखनऊ से तो मैंने रियलाइज़ ये नहीं किया कि मेरे GoPro में माइक अटैच नहीं हो रहा है, किसी भी रीज़न से, हो सकता है बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं उसके पीछे, बट बहुत सारे रीज़न्स में से मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा अडॉप्टर है GoPro का, वो कुछ गड़बड़ कर गया है, उसने कुछ गड़बड़ कर रहा है। एंड अभी जो आप मेरी ऑडियो सुन रहे हैं ये डायरेक्टली GoPro से ही रिकॉर्ड हो रही है, तो बीच बीच में मैं वॉइस ओवर भी करूँगा, इसीलिए मैं अभी एडिट करके फ़ौरन नहीं पोस्ट कर रहा हूँ, मतलब यूट्यूब पर नहीं डाल रहा हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम लेके इसको एडिट करूँगा। और चूँकि मेरा माइक है नहीं है, मुझे बीच बीच में वॉइस ओवर्स करने होंगे और सारे काम करने होंगे, बहुत सारे काम करने होंगे एक्चुअली, तो उन बहुत सारे कामों में, एडिटिंग में बहुत सारा काम बढ़ गया है इस ऑडियो जैक के काम ना करने की वजह से। और मैं लेह लद्दाख नहीं जा रहा हूँ इस बार, लेह लद्दाख मैं नेक्स्ट टाइम करूँगा, अभी मैं जा रहा हूँ स्पीति। हिमाचल का एक पार्ट है जो अभी डिस्कवर हुआ, एक्चुअली डिस्कवर तो बहुत पहले हो गया था, बट लोगों की नज़रों में अभी आया है, जो बाइकर्स और माउंटेनियर्स हैं उन सब की नज़रों में अभी आया है, और वहाँ का टेम्परेचर भी इस समय करीब -4 -5 के आसपास होगा। सो मैं जा रहा हूँ स्पीति, वो इस वजह से क्योंकि मैंने ऐसा सुना 2-3 लोगों से, जब मैंने बात की यहाँ पे तो उन्होंने मुझे बताया कि लेह में इस वक्त लग रहा है कि जैसे कुंभ का मेला लगा हुआ है, और इतना ट्रैफिक जाम हो रहा है, इतना ट्रैफिक जाम हो रहा है कि उसकी वजह से आप जो काम आप 10 घंटे में जा सकते थे वही आपको 15 घंटे कम से कम लगेंगे, और वो भी कुछ भरोसा नहीं आगेगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ स्पीति की तरफ, तो पहले तो यहाँ से तो निकले मनाली से, तब तो स्पीति जाएंगे ना भैया, पहले कहीं रुक के चाय पीना है, चाय पीने के बाद मुझको, अभी तो नहीं, हाँ लेकिन अटल टनल से पहले कुछ खा लेना है, क्योंकि मुझे अटल टनल तक का तो रास्ता पता है कि वहाँ के बीच में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, बहुत सारे फूड जॉइंट्स हैं, लेकिन अटल टनल के बाद क्या होंगे, या अटल टनल के बाद खाया जाए पिया जाए, अटल टनल के बाद भी होंगे क्योंकि अभी तो सीज़न चल रहा है, मुझे लगता है अटल टनल तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उसके बाद भी मिल जाएगा। पेट्रोल मैंने फुल करा लिया था गाड़ी में कल रात में ही, रात में मेरे गाड़ी में पेट्रोल जो आया था 932 रुपये का पेट्रोल डलवाने के बाद, जब मैं मनाली के लिए टूवर्ड्स मनाली के लिए मैं था, और अब जब मैं टूवर्ड्स काजा के लिए जब जा रहा हूँ स्पीति के लिए, तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल आया है 800 रुपये का और फुल करा लिया था मैंने, तो मुझे लगता है कि काजा और वहाँ तो मुझे पेट्रोल की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, क्योंकि 201
83 किलोमीटर से यहाँ से दिखा रहा है, और मेरी गाड़ी की रेंज जो है वो 400 किलोमीटर है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ चलाता नहीं हूँ, एक स्पीड पकड़ के चलाता हूँ। अब देखना ये कि रोड की कंडीशंस क्या है। सुबह सुबह का यही फ़ायदा होता है, जिस मॉल रोड पे आने के लिए मैं दोपहर में या शाम के वक्त में मुझे आधा घंटा लगता था, वही मैं 5 से 8 मिनट में मैं उतर आया और मॉल रोड सामने रही, और भाई साहब 8:30 बजे से ही, 8 बजे से ही जाम लगना शुरू हो जाता है। वैसे मैं 9:30 बजे निकला था, 8:30 बजे मैंने गलत वक्त बता दिया था। और रास्ता जो है अटल टनल यानी कि सोलांग वैली की तरफ से होते हुए जाएगा, और कहते हैं अगर आप लेह लद्दाख के लिए जाइए या स्पीति के लिए जाइए तो आप सुबह निकलिए। और जब मैं इस रास्ते से आगे बढ़ रहा था तो जैसे ही मैंने देखा तो एक खूबसूरत सा नज़ारा मुझे देखने को मिला। सामने बर्फ के माउंटेन्स थे, एक अच्छी रोड थी, गर्मी बिल्कुल नहीं हो रही थी, ट्रैफिक भी सुबह सुबह काफी कम था, मजा आ गया था भाई। और मुझे उम्मीद है ETA बता रहा है 1:45, मैं उम्मीद करूंगा 3 बजे तक भी अगर मैं पहुंच जाऊं, 3:30 बजे तक भी अगर पहुंच जाऊं, 4 बजे तक भी अगर पहुंच जाऊं तो प्रॉब्लम नहीं है। बताऊं कि लोग जब रोहतांग पास वगैरह के लिए जाते हैं, क्योंकि वहां पे बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है और ठंड बहुत ज़्यादा होती है, तो कुछ ऐसे कपड़े लेकर जाते हैं, ऐसे लोग पहन के जाते हैं, किराए पे ले लेते हैं, रेंट कर लेते हैं, और रेंट करने के बाद यहां आके वापस कर देते हैं, क्योंकि मनाली में इन कपड़ों की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन रोहतांग पास हो गया या अटल टनल के बाद से बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है और टेम्परेचर कभी कभी मतलब ऑटोमेटिकली वो माइनस में चला जाता है, और बेतरतीब वहाँ का मौसम है, कभी बरसात होने लगेगी, कभी वहाँ का मौसम जो है वो है ना बर्फबारी होने लगेगी, कभी कुछ भी हो जाएगा। तो अभी टाइम हुआ है 9:16 और मैं चल रहा हूँ अटल टनल की तरफ। जैसे जैसे मैं अटल टनल की तरफ बढ़ रहा था मुझे मैंने देखा कि यार इतनी ट्रैफिक, सुबह सुबह इतने बसेस, इतनी प्राइवेट व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स वाले, और इतनी ट्रैफिक, और ये मैं पिछले 8-10 किलोमीटर से मैं देख रहा हूँ कि ऐसा ही ट्रैफिक है, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ कम नहीं हुआ, और सब लोग अपने जगह पे खड़े ही हुए। अब एक जगह कितनी ले लेगी, जाहिर सी बात है, और ओवर क्राउड हो गया था और इतनी ज़्यादा पब्लिक आ गई थी कि अब यहाँ से थोड़ी सी इरिटेशन होना शुरू हो गई थी। और आप जाम का आराम ये देख लीजिए कि पिछले 2-3 किलोमीटर से ऐसी ही गाड़ियाँ रेंग रही हैं यहाँ पे, मतलब कितनी पब्लिक है, कितनी साइड में खड़ी हैं, कितनी बीच में चल रही हैं, बसेस हैं, ट्रैवलर्स हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, बाइकर्स हैं, बहुत सारे लोग, मतलब सबकी छुट्टियाँ हो गई, बच्चों की छुट्टियाँ हो गई, तो अब इससे बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हिंदुस्तान में कितनी आबादी ऐसी है जो प्रिविलेज है, जो अपने ऊपर पैसा खर्च कर सकती है, गरीब नहीं है इंडिया कंट्री भाई, इंडिया बहुत रिच है। और तकरीबन पिछले 10 किलोमीटर से मैं देख रहा हूँ कि ऐसा ही जाम लगा हुआ है। भाई मेरे पास तो चलो बाइक है, मैं तो निकाल लूंगा इधर उधर कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी तरीके से, जाम मेरी वजह से तो लगा नहीं, लेकिन ये तकरीबन मैं 10 किलोमीटर दूर से ये देख रहा हूँ कि ये सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, और ये कब पहुँचेंगी अपने जगह पे, और ये कब इंजॉय करेंगे, तो पूरा दिन तो अगर इनका इसी जाम में अगर लगा रहा, ट्रैफिक में ही फंसे रहे, तो इनका यहाँ पे आने का क्या मकसद है भाई, ये भी एक सोचने वाली बात है। और हम लोग अभी निकल रहे हैं सोलांग वैली से। सोलांग वैली, वैली मीन्स वही हुआ कि दो पहाड़ों के बीच में एक रास्ता, वही वैली हो गई। मनाली भी तो वही वैली है, वही पहाड़ों के बीच में उतने एक शहर है, वो वैली हो गई, यही सब सारी सीन है। और एक ये छोटी सी टनल है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की, अटल टनल से करीब 5-6 किलोमीटर पहले है, और ये एक्चुअली क्या है, यहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती थी, जब लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होती थी तो उसके लिए उन्होंने टनल बना दी कि लैंडस्लाइड ना हो, ये चीज़ अच्छी है। फिर मेरे बगल से एक हिमालयन निकली, जो कि आई एम श्योर कि ये लोग लद्दाख जा रहे हैं, लेकिन जिस कंडीशन में ये लोग लद्दाख जा रहे हैं और जैसे ये मोहतरमा पीछे बैठी हैं, इनकी पीठ का तो क्या हाल होगा, क्योंकि 490 किलोमीटर है मनाली से आपका लद्दाख, और वो देखिए आप सामने स्नो माउंटेन्स। स्नो माउंटेन्स से मतलब मैं फिर बताता हूँ कि स्नो के माउंटेन्स नहीं होते, जिस माउंटेन पे स्नो पड़ जाती है उसे स्नो माउंटेन कहते हैं, लेकिन मुझे जो डे 1 से थोड़े से ज्यादा लग रही है स्नो। और जैसे जैसे मैं अटल टनल की तरफ बढ़ रहा था मेरी एक एक्साइटमेंट लेवल भी बढ़ रही थी। 10 किलोमीटर की टनल है और सबसे ऊंची जगह पे, यानी कि सबसे हाईएस्ट मोटरेबल टनल है ये, तो मेरी एक्साइटमेंट का लेवल तो काफ़ी बढ़ रहा था। और बताया ये जा रहा था कि अटल के अंदर जो एक टेम्परेचर होता है वो तकरीबन 5-7 डिग्री और कम हो जाता है,
तो मैंने अभी जैकेट नहीं पहनी थी, मैं सिर्फ एक टी शर्ट पहन के चल रहा था। मुझे लगा था कि मुझे जैकेट पहन लेनी चाहिए, लेकिन ठंड तो अभी से शुरू हो चुकी थी। और अटल टनल के बाद ही दो रास्ते निकलते हैं, एक जाता है लेह की तरफ और एक जाता है स्पीति की तरफ। ये है अटल टनल का गेट, जहाँ पे चेक पॉइंट है, जहाँ पे सब चेकिंग होती गाड़ियों की। आप बाइक से हैं या कार से हैं तो पेट्रोल नहीं ले जा सकते हैं, कोई अपने साथ में असलहा नहीं ले जा सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों की चेकिंग हो रही थी। मुझसे भी पूछा कि भाई पेट्रोल तो नहीं है, तो मैंने कहा नहीं साहब पेट्रोल नहीं है मेरे पास में। और यहाँ से धूल काफ़ी ज़्यादा थी क्योंकि कंस्ट्रक्शन लगातार चल ही रहा है अटल टनल का, और भी चीज़ें बन रही हैं। यहाँ से अटल टनल शुरुआत होती है और ठीक 10 किलोमीटर आपको इसी टनल के अंदर अंदर चलना है। और इस वक्त मुझे वाकई में बहुत खुशी हो रही है कि जिस चीज़ को मैं इंटरनेट पे देखता था, जिस चीज़ की जाने के लिए मैं कोशिश करता था, आज मैं उसी के अंदर हूँ। और ये 10 किलोमीटर रेंज की टनल है, तो और कुछ नहीं है इसमें, सीधा 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 बस। रोहतांग सुरंग या अटल सुरंग विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है, जो मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई जा रही है, जो लेह को मनाली से जोड़ेगी। और ये सुरंग तकरीबन घोड़े के नाल के आकार की दिखाई देती है। इसकी लेंथ जो है कहते हैं 10 किलोमीटर है, लेकिन मेरे हिसाब से 9 किलोमीटर थी। और इसका इनॉग्रेशन जो हुआ था वो 3 अक्टूबर 2020 को हुआ था। कंस्ट्रक्शन जो ख़त्म इसका हुआ था वो भी अभी चल ही रहा है, लेकिन वैसे कहा जाए तो काफ़ी अच्छा था ये टनल का एक्सपीरियंस। और ये है अटल टनल का लास्ट छोर यानी कि एंड, और ये 10 किलोमीटर का है। भाई साहब इतने बाइकर्स इतने राइडर्स, ठंड हो गई है। यहां से जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अगर लेफ्ट चले जाएंगे इस ब्रिज के बाद से, तो ले लद्दाख की तरफ चले जाएंगे, और राइट अगर आप जाएंगे तो आप काजा की तरफ जाएंगे और रोहतांग की तरफ जाएंगे। तो मुझे जाना था काजा, तो मैंने यहां से राइट ले लिया। अटल टनल जैसे ही खत्म होती है तो यहां पे एक कैफे है, हिमालयन स्टे कैफे, ये पहला कैफे है, तो मैं यहीं पे रुक गया। और धूप यहां पे बहुत तेज है, लेकिन धूप में ठंड बहुत है। और यहाँ पे टेम्परेचर इस वक्त होगा करीब 8-9 के आसपास का टेम्परेचर इस वक्त होगा, और अब सही दिखाई दे रहा है मेरे ख्याल से, पीछे वरना एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो रहा था। और धूप काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, लेकिन धूप में ठंड है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम हो नहीं रही है। ये वो फ्लैग हैं जो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं, होली फ्लैग्स हैं, और तिब्बतन समाज के हैं। इसमें क्या लिखा है मुझे तो नहीं मालूम, बट मैंने भी इसका वीडियो ले लिया। और सुबह का पहला नाश्ता ब्रेकफास्ट, प्याज आलू के पराठे और चाय। अटल टनल निकल जाने के बाद एक पराठा खाने के बाद और एक चाय एक पानी की बोतल लेने के बाद में बिल आया है 120 रुपए का। पड़ चुकी है गाड़ी यहाँ से, मुझे बता रही ईटीए जो बता रहा है 3 घंटे 28 मिनट। मुझे ऐसा लग रहा था 3 घंटे 28 मिनट में मैं काजा पहुंच जाऊंगा, लेकिन ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी और मेरे सफर की शुरुआत थी। हिंदी वाला सफर नहीं, अंग्रेजी वाला सफर। ये बाइक का भी पर्ची है क्या? लाओ दे दो फिर अगर दे रहे हो तो। 50 रुपए की पर्ची। उनसे पूछा भाई किस बात की पर्ची है, तो कहने लगे कटती है यहाँ पे, 50 रुपए लिए। बहरहाल कुछ डेवलपमेंट चार्जेस है। ठीक है चलो यार, इतनी अच्छी रोड है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो पैसे देने में फलता नहीं। अच्छी रोड तो खाली इन लोगों ने मुझे मुंह दिखाई में दी थी, लेकिन उसके बाद जो रोड मैंने देखी ना, उसके लिए तो अल्लाह ही बचाए मुझे। अब ये एक ऐसा एरिया था जिसमें लोगों ने मुझे कहा था जितनी जल्दी हो सके इस एरिया से निकल जाओ, क्योंकि ऊपर से कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है, और एक छोटा सा भी पत्थर अगर तुम्हारे सर के ऊपर पड़ा तो तुम्हारा काम खत्म हो सकता है, और आगे का जो सफर है वो तुम्हारा बैक टू पवेलियन हो जाएगा और तुम घर के लिए चले जाओगे। इससे बेहतर है कि यहां से निकल लो। जब मैंने मनाली से अपना सफर शुरू किया था, तब मुझे लग रहा था कि 4 घंटे में मैं मनाली से काजा पहुंच जाऊंगा, लेकिन सच में आपको बताऊं तो यहां से जो मेरे सफर की शुरुआत हुई और जो मुझे रोड खराब मिलने लगी, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं जिंदगी में कभी भी इतनी ऑफ रोडिंग करूंगा। और यहां से जो मेरा सफर शुरू हुआ,
जो एक थका देने वाला, जो एक दिमाग को पस्त कर देने वाला सफ़र, वो मैंने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। और आप भी देखिए, शायद आपको मज़ा आए। और यहाँ से मैं थोड़ा सा आगे चला गया था और यहाँ से मुझे राइट लेना है, वैसे तो मुझे लेफ्ट लेना था लेकिन मैं आगे चला गया था। और ये एक कच्चा रास्ता है जो काजा के लिए जाता है। सारी ट्रक, सारी बसेस, सारी प्राइवेट व्हीकल्स, मोटरसाइकिल्स, गाड़ियाँ, फोर व्हीलर जितनी भी हैं, वो सब इसी रास्ते से काजा जाती हैं, वरना मनाली से काजा जाने का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन सच में आप लोगों को बात बताऊं तो मुझे कभी भी नहीं मालूम था कि, और मुझे कभी भी पता ही नहीं चला कि मैं एक ऐसे सफ़र के लिए निकल चुका हूं जो है तो महज 80 किलोमीटर का, लेकिन उसको पार करने में मुझे तकरीबन 8 से 9 घंटे का वक्त लगेगा। 8 से 9 घंटे का वक्त बाइक से ट्रैवल करने के लिए, महज 80 किलोमीटर के रास्ते को कवर करने के लिए। और मैं इस रास्ते पे चल तो पड़ा था लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ आगे क्या होने वाला है और रास्ता किस तरीके से ख़राब मुझे मिलने वाला है। मौसम बहुत अच्छा था, आसपास के नज़ारे बहुत अच्छे थे, लेकिन मैं उन नज़ारों को देख ही नहीं पा रहा था क्योंकि रास्ता कुछ ऐसा था। अभी तो जो आप रास्ता देख रहे हैं ना, अभी तो भाई साहब क्या बताएं, क्या खूबसूरत रास्ता है ये, अभी तो बहुत अच्छा रास्ता है। जैसे जैसे ये सफ़र आगे बढ़ता चला गया, वैसे वैसे क्या मैं बताऊं कि क्या क्या होता चला गया। मैं 10 से 15 किलोमीटर पर आर से ज़्यादा अपनी गाड़ी को चला ही नहीं पाया पूरे रास्ते। कई चीज़ें मेरे साथ हुई, कई लोगों को मैंने गाड़ी में पेट्रोल ख़त्म होते देखे, क्योंकि गूगल जो दिखा रहा था वो महज 4 घंटे का रास्ता दिखा रहा था, लेकिन ये एक्चुअल जो रास्ता था मनाली से काजा का, वो था तकरीबन 10 से 12 घंटे का सफ़र, और जिसमें ऐसी परेशानियाँ थी जो मैंने कभी भी फेस नहीं की थी। तो चलिए बढ़ते हैं इस रास्ते की तरफ और नज़ारे मज़े लेते हैं। भाई साहब जो गाड़ी से आ रहे हैं वो तो अपनी पूरी ज़िंदगी का कष्ट पूरा करके आ चुके हैं, जो थार आ रही है, लेकिन जो हम लोग जा रहे हैं वो तो अल्लाह ही बचाए कि अब क्या होगा इसका। खैर बहरहाल अब जो भी हो, निकल तो पड़े हैं, पहुँचना तो है और आज ही पहुँचना है, क्योंकि बीच रास्ते में 80 किलोमीटर के रास्ते में ना तो कोई पंक्चर की दुकान थी, ना कोई पेट्रोल पंप था, ना कोई कोई हेल्प आपको मिल सकती थी। एक महज या दो ढाबे आपको मिल जाते जहाँ चाय और मैगी और यही सब आपको मिलता। ठहरने के लिए कोई जगह नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, कोई भी कवरेज नहीं थी कि अगर आपको कुछ खुदा ना खास्ता हो जाए तो आपकी हेल्प करने वाला कोई भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं था। तो ऐसे तैसे जैसे करके मैं इस रास्ते पर निकल तो गया, लेकिन मुझे बिल्कुल भी इस बात का इल्म नहीं था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। लग जाएगी अपनी बहुत लंबी वाली। और मनाली से काजा तक की जो मेरी पहली वाटर क्रॉसिंग थी वो ये थी, जो कि ग्लेशियर का पानी यहीं से बह रहा था, और ये पूरा ग्लेशियर ही है जो यहाँ पे जमा हुआ था। छोटा सा ग्लेशियर था बट जमा हुआ था, और छोटी सी ही वाटर क्रॉसिंग थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। मुझे लगा कि यार ये छोटी छोटी सी चीज़ें तो हैं, और लोगों ने भी मुझे ज़बरदस्ती डरा दिया था कि रास्ता ऐसा है, रास्ता वैसा है, रास्ता फलाना है, आप पार नहीं कर पाएंगे, जल्दी नहीं पहुँच पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे पहुंच जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा, बहुत आसानी से सारी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन बहुत थका देने वाला रास्ता, बहुत टायरिंग रास्ता था। और मैं सच बताऊं आपको तो जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूं वो अभी तो आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे ना, वो रास्ता और ख़राब होता चला जाएगा। रास्ता मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा सुकून दे रहा था, मौसम बहुत अच्छा था, गर्मी थी नहीं, ठंड हो रही थी, हवा बहुत तेज़ चल रही थी। तो मैं कुछ देर के लिए वहां पे रुक गया और ये सोच रहा था कि रास्ता इतना खराब तो नहीं है यार जितना लोग मुझे डरा रहे थे, जितना लोगों ने मुझे कहा था। बर्फ के पहाड़ भी दिख रहे थे, ग्रीनरी भी थी, सारी चीजें थी। तो मैं थोड़ी देर रुककर सोचने लगा कि यार कोई रास्ता, कोई सफर कितना भी खराब हो सकता है। पर हाँ, रास्ता यहां तक तो ठीक था, आने वाले वक्त में वो रास्ता काफी खराब होने वाला था। तो मैंने अपनी सारी चीजें चेक की और एक बार फिर से मैं उस सफर को आगे बढ़ाने में लग गया। और कुछ मिनट का ब्रेक लेने के बाद, मैं 10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद से फिर एक बार मैं चल पड़ा हूँ टूवर्ड्स काजा। और इस तरह के नज़ारे तो तमाम हर जगह देखने को मिल रहे थे। सामने से गाड़ियां, दोनों तरफ बर्फ के टीले,
रास्ता खराब, एक तरफ आप गिरे तो सीधे खाई में, दूसरी तरफ बर्फ में जाएंगे आप। लेकिन इस रास्ते में मजा तो बहुत आ रहा था भाई, फिलहाल शुरुआत में तो मजा बहुत आ रहा था, आगे क्या हुआ वो तो अल्लाह ही बचाए। लेकिन खैर, रास्ता काफ़ी ख़राब था, 80 किलोमीटर रास्ता ऐसे ही चल रहा था, गाड़ी 10 से 15 किलोमीटर से ज़्यादा स्पीड से नहीं चल पा रही थी, लेकिन मज़ा आ रहा था और इसी मज़े को मैं ले रहा था। और मुझे राहत तो तब हुई जब मैंने तकरीबन 40 किलोमीटर के बाद ये पहला ब्रिज देखा। कोई इंसान दिखाई नहीं दे रहा था, कोई गाड़ियां बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जब ये ब्रिज मैंने देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई यार। मैं सच बात बताऊं तो, क्योंकि डर काफ़ी लग रहा था, मैं अकेला चल रहा था, गाड़ी पंक्चर हो जाए, कुछ हो जाए, मेरे पास टूल किट नहीं थी, कोई आसपास गाड़ी बनाने वाला नहीं था। तो ये एक पॉइंट एक ऐसा आया था जिसको आई थिंक शायद ग्रम्फू कहते हैं, मैं एग्जैक्टली प्रोनाउंस शायद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन शायद ग्रम्फू कहते हैं। और यहाँ पर मैं रुका था और यहाँ पर मैंने एक कप चाय पी थी। और जो रास्ता भी आप लोगों ने देखा, तकरीबन ऐसा ही रास्ता अभी और 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर और मिलने वाला है। और इस रास्ते को क्रॉस करने में मुझे जो मैं आया हूँ करीब 70 किलोमीटर, उसको क्रॉस करने में मुझे लग गए हैं करीब 5.5 घंटे, और जो कि क्या बताऊँ, बहुत टफ है, बहुत चैलेंजिंग है। ऐसा ऑफ रोड, ऐसा रास्ता मैंने आज तक नहीं देखा, और अभी 40 किलोमीटर और है, यानी कि 4 घंटा और मान के चलिए। और जैसा मैंने आपको बताया था, रास्ता ख़राब होने की शुरुआत तो बस अभी हुई ही थी। रास्ता असल जो ख़राब था वो यहीं से ख़राब था, मतलब इसमें कोई ऐसा था नहीं कि रोड है, रोड कहीं नहीं थी, पत्थरों को काट काट के लोगों ने खुद ही एक रोड बना दी थी, एक रास्ता बना दिया था जहाँ से 4-व्हीलर 2-व्हीलर निकल सके। लेकिन भाई, यहाँ के जो बस ड्राइवर हैं, यहाँ के जो टेम्पो ट्रेवलर हैं, उनको तो मैं सल्यूट करता हूँ, जो बहुत आराम से यहाँ से लोगों को निकाल के ले जाते हैं। हम जैसे लोग जो बहुत कमज़ोर दिल के लोग हैं, वो तो यहाँ पे तो अपना छोड़ ही दें सफ़र। रास्ता ख़राब है, मैंने देखे यहाँ पर भी एक जगह ग्रीनरी है, दूसरी जगह बर्फ़ के पहाड़ हैं। रास्ता तो क्या ही है, वो तो आप खैर सब जानते ही हैं कि क्या है क्या नहीं है उसमें। लेकिन बहरहाल मज़ा तो आ रहा था, लेकिन डर भी लग रहा था। अब डर लग रहा था तो मज़ा और डर, और डर और मज़ा, ये सब चीज़ें। अब ये देखिए, ये एक पहाड़ थे, मतलब पहाड़ी था होगा, जिसको पहाड़ को काट के इन लोगों ने एक रास्ता बना दिया था। अब ये कितने 100 साल पहले ये सारी चीज़ें हुई होंगी, जो पहाड़ आगे गिरा होगा। ये पूरा एक डाउनहिल था, जो इतना ख़राब रास्ते पर डाउनहिल था, जहाँ पे अगर आप स्लिप हुए और एक भी अगर इंच में आपने अपने बैलेंस को खोया तो आप कहाँ जाएंगे पता भी नहीं। मेरी तो बाइक थी, मैं तो निकल जाता था, लेकिन बेचारे ये लोग जो कार से 4-व्हीलर से थे, ये लोग तो हर जगह फंस रहे थे। और इन लोगों को भी एग्जैक्टली नहीं मालूम था कि ऐसा रास्ता होगा, क्योंकि गूगल ने 4 घंटे का रास्ता बताया, सब लोग इसी रास्ते पे आ गए, क्योंकि 200 किलोमीटर 4 घंटे के हिसाब से ठीक था। लेकिन सच बात तो ये थी कि ये 4 घंटे, यानी कि ये 80 किलोमीटर का रास्ता पार करने में हम लोगों को तकरीबन 10 से 11 घंटे लग गए। अब इस तरह के ऑफ रोड थे और ये पूरा रास्ता ही ऑफ रोड बना हुआ, तो मैं तो कह रहा था सबसे, भैया निकलो भैया, मुझे भी जाने दो। मैं कम से कम 15 मिनट तक यहाँ पे खड़ा रहा था। मैं मनाली से निकला था तो मुझे पता था कि चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम आएंगे, बट ये नहीं पता था कि इतनी ऑफ रोडिंग होगी। अभी तक मैं सच बात बताऊं तो 60 से 65 किलोमीटर, मैं 70 किलोमीटर में चला चुका हूं। 195 काजा था जब मैं चला था, और मैं इतनी ऑफ रोडिंग, और अभी भी 40 किलोमीटर्स और है ये ऑफ रोडिंग वाला पैच। मुझे पता था कि प्रॉब्लम्स आएंगी, और उन प्रॉब्लम को ही तो फेस करने के लिए मैं यहाँ तक आया था ना। ठंड भी काफ़ी बढ़ गई है, अभी मैंने जैकेट उतारी है और कॉट्स फुल पहना है, और वो पहनते हुए तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। गाड़ियाँ काफ़ी हैं, धूल मिट्टी भी ज़्यादा है, हवा बहुत तेज़ चल रही, शायद ऑडियो इतना अच्छा ना आए। एक बहुत अच्छी बात है, जब हम लोग किसी सफ़र पर जाते हैं, कहीं पर भी निकलते हैं, तो सब एक दूसरे का ख्याल करते हैं। निकलते सब एक दूसरे को ऐसे थम दिखाते हैं कि हाँ सब कुछ अच्छा है, और अगर थम डाउन हो गया दैट मीन्स कि आगे कुछ प्रॉब्लम है, या मुझे कुछ प्रॉब्लम है तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करो। हर कोई एक दूसरे के प्रॉब्लम सॉल्व करता है यार यहाँ पे, क्योंकि क्या है ना, सब अनजान है और सब एक ऐसी जगह है जहाँ पे कोई रहता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ लोग आते हैं और गुजर जाते हैं। तो अगर यहाँ पे खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम हो जाए तो डेफिनेटली एक दूसरे की मदद ही एक दूसरे को आगे बढ़ा सकती है। हर इंसान को अपनी मंजिल की तलाश है,
मंजिल की जस्तजू के चलते ही वो अपना जीवन सफर में झोंक देता है। लेकिन कोई मंजिल आखिरी नहीं है। मंजिलें जहां खत्म होंगी वहां जीवन थम सा जाता है, और जीवन रुकने का नाम नहीं है, चलने का नाम है। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। और इसी स्टेटमेंट के साथ में, इसी शेर के साथ मैंने अपने सफर फिर से शुरू किया और आगे की तरफ मैं चलने लगा। थोड़ा सा आगे बढ़ा था, काफी डर लग रहा था क्योंकि बहुत देर से मैंने कोई टू व्हीलर नहीं देखी थी, तो मुझे लगा कि यार क्या टू व्हीलर यहाँ पे नहीं आती है क्या। लेकिन बस वही बात है, उस डर को अपने में समेटे मैं आगे बढ़ ही रहा था कि अगली मोड़ पे मैंने देखा कि एक टू व्हीलर आ रही थी और मेरी जान में जान आई, और वो भी रुक गए मुझे देखकर। शायद वो भी मुझे ढूंढ रहे होंगे। और मैंने उनसे पूछा कि भाई और कितना रास्ता है ऐसा ही, तो उन्होंने बताया कि भाई आखिरी तक ऐसा ही रास्ता है, यानी कि तकरीबन 40 किलोमीटर तक। और ज़्यादा ख़राब रोड आपको मिलेंगी, यानी कि लोसर तक आपको ख़राब रोड मिलेगी। तो इनकी बातों को सुन के मैंने अपने दिल को संभाला और मैं फिर थोड़ा सा आगे बढ़ा। काफी देर तक चलने के बाद मुझे एक जगह दिखाई दी। उस जगह का नाम था भुटवल या बुटवल, समथिंग कुछ ऐसा ही नाम था। मैं रुका नहीं था वहां पे, मैं निकल गया था, लेकिन मेरी जान में जान आई थी क्योंकि वहां पे मैंने काफी पब्लिक को देखा। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मैं अकेला नहीं हूँ इस सफर पे, बहुत सारे लोग इस रास्ते से जा रहे हैं, इस खराब रास्ते से, उबड़ खाबड़ वाले रास्ते से। और जिसको भी मैं देख रहा था उनके चेहरे पर, यकीन मानिए 12 बजे हुए थे, यानी कि सबकी हालत ख़राब थी और सब लोग जो थे वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे थे। तो भाई मैं आगे बढ़ा और मैंने देखा कि भाई चलो भुटवल के रास्ते से, और मैंने देखा कि इसी रास्ते से बसें भी जा रही हैं, मतलब छोटी छोटी गाड़ियाँ भी हैं, बसें भी हैं, बहुत सारे बाइकर्स भी हैं। और यहाँ पे एक चाचा चाची का ढाबा है जो काफ़ी फेमस है, और लोग जो चंद्रताल जाते वो यहाँ पे रुकते ज़रूर हैं। और ऐसी जगह पे आने के बाद आपके साथ सबसे ज्यादा वर्स्ट क्या हो सकता है, क्या आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए, और आपकी गाड़ी पेट्रोल वाली हो और यहाँ पे जितनी भी गाड़ियां आ रही हो वो सब की सब डीजल गाड़ियां हो। तो भाई साहब मैंने अपनी बाइक से इनको आधी बॉटल पेट्रोल निकाल के दिया। पहली बार किसी बाइक ने एक कार वाली को पेट्रोल निकाल के दिया होगा, लेकिन ये बहुत खुश हो गए थे। और जेन्युइन प्रॉब्लम थी इनके साथ, दो लेडीज थी, और ये भाई साहब को बिल्कुल भी इस रास्ते की पता नहीं था, इस रास्ते के बारे में कि क्या है इनके साथ में। खैर इनसे फिर मैं विदा लेकर आगे बढ़ गया। और इस पूरे रास्ते की सबसे खास बात जो अभी मैं अपनी आंखों से देख रहा था, राइट साइड पे मेरे बर्फ के स्नो माउंटेन्स थे और बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। 4, 5, 6, 8, 10 माउंटेन्स लाइन से थे और मैं उनके पैरलर चल रहा था लेफ्ट पे। मेरे लेफ्ट में भी माउंटेन्स होंगे ऑफ कोर्स, बट मैं उन माउंटेन्स को, जो एक रास्ता बनाया गया था, मैं उस पे चल रहा था, लेकिन सबसे खूबसूरत मुझे यही दिख रहा था। तो मैंने अपनी गाड़ी एक जगह लगाई और कुछ देर के लिए, 10-15-20 मिनट के लिए, मैं एक ही जगह पे बैठ के उन माउंटेन्स को मैं देखता रहा। आप इस तरह इन माउंटेन्स को देखिए, कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये। कुछ देर चलने के बाद मैं इस एरिया के सबसे ऊंचे पास पर पहुंच गया, कुंजुम पास पर, जो कि तकरीबन 4,500 मीटर की ऊंचाई पर था, 4,300 मीटर, 4,300 मीटर की ऊंचाई पर। और यहाँ पर एक, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता पाऊंगा कि क्या था, लेकिन कोई एक मंदिर, कोई एक पूजा करने की एक स्थान जगह थी, जहाँ पे सब लोग, जो भी लोग यहाँ पे आते हैं बाइक से, कैसे भी, किसी भी तरीके से, वो एक परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा इन द सेंस, यानी कि वो जो एक मंदिर जो बना हुआ है उसका एक चक्कर लगाते हैं। तो सब लोग जा रहे थे तो मैं भी चला गया। मैं बाइक से उतरा नहीं था, लेकिन हाँ मैंने उसकी परिक्रमा करी, जो कि देखिए लेफ्ट से जाकर राइट से, तो मैं ऐसे ही करके कुछ मैंने किया। और जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो एक बार यहाँ पे आते हैं ताकि एक बार वो लोग थैंक यू बोल सके इन माउंटेन्स को कि यहाँ तक आ गए हम लोग और आपने सेफली हम लोग यहाँ पर ढंग से पहुँच गए।
फिर मैंने इन भाई साहब से पूछा कि लोसर जाने के लिए, काजा जाने के लिए कौन सा रास्ता, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ से तकरीबन आपको 20-25 किलोमीटर, अभी 20 किलोमीटर ऐसे ही रास्ता मिलेगा, तो आप घबराइए नहीं, आप चले जाएंगे। फिर एक मैंने यहीं से गाड़ी अपनी यू टर्न ले ली और उसके बाद मैं कुंजुम पास के रास्ते से होते हुए मैं आगे बढ़ गया। और ये देखिए, सब लोग आए हैं प्रे करने के लिए, जिस भी गॉड को ये लोग मानते हैं, जिस भी, ये क्या मंदिर था, ये क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन सब लोग जा रहे थे तो मुझे भी, मैं भी चला गया। सामने स्नो माउंटेन्स आप देख रहे हैं, रास्ता यही एक है जिसका रास्ता ये बना हुआ है, वरना पूरा रास्ता जो तकरीबन 80-85 किलोमीटर का रास्ता था उसमें कुछ भी बना हुआ नहीं था। तो यहाँ से भाई मैं आगे बढ़ गया। बहुत हवा चल रही है, बहुत ठंडक है भाई, और इन भाई साहब ने मेरी मदद की थी जो ये गाड़ी से आ रहे हैं, और ये ना होते तो अभी मैं भाई भटका होता। आप ही थे ना भाई जैसे गाड़ी में धक्का दिया था, कोई था ना? अरे थैंक यू यार बॉस, सीरियसली यार, हाँ वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ क्या, लेकिन ये भाई इन्होंने मेरी हेल्प की। अभी आसान नहीं है भाई, इतनी हाइट पे जो लोग बाइकर्स आते हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ उनको दिल से कि आप लोगों ने हम लोग को हिम्मत दिखाई तो हम लोग यहाँ जा पाए। और अब ये लोग भी जा रहे हैं गाजा, आगे बढ़ रहे हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ। यहाँ से अब बढ़ते हैं, बज रहा है 5 और भाई यहीं कहीं पर टाइम लगा के रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। बहुत दूर तक, मनाली तक, हाँ बीच में कहीं रुक जाना, टेंट वेंट देके मत जाओ आगे, क्योंकि अच्छा। बहुत सेफ नहीं रास्ता, ये सेफ नहीं रास्ता रात में। जूते गीले नहीं करने हैं। इन खराब रास्तों ने एक चीज तो मुझे समझाई और सिखाई कि भैया आप अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलेंगे तब आपको पता चलेगा कि दुनिया कितनी रंगीन है। रोड मिल गई, फिर उस सही रास्ते पर चलने के बाद थोड़ी दूर में चला था तो मुझे मोस्ट वेलकम टू स्पिति वैली का दरवाजा, एक डोर दिखाई दिया, एक एंट्री गेट दिखाई दिया, और मेरी जान में जान आई और खुशी का माहौल था। तो मैं वहां पे थोड़ी देर के लिए रुक कर सोचने लगा कि मैंने कितना बड़ा अचीवमेंट किया है। और बहुत से लोगों ने मुझे कहा था कि रात में यहाँ पे गाड़ी मत चलाना, और तकरीबन 6:30 और मैंने अब सोचा कि एक जगह आ गई है लोसर, तो चलो अब यहाँ पे हम लोग ढूंढते हैं कोई रहने की जगह। तो बस वही जगह मैं ढूंढ रहा था तो आगे जाके मुझे एक होम स्टे मिला, इबिक्स होम स्टे, और मैं वहाँ पे रात बिताने के लिए रुक गया। और ये है इबिक्स होम स्टे का रूम जो मुझे मिला है 1,000 रुपये में, जिसमें ब्रेकफास्ट भी है, डिनर भी है, सब कुछ है, और काफी बड़ा एरिया है। और ये वो चूल्हा है जो इस पूरे घर को गर्म कर रखा है, और इस चूल्हे को क्या कहते हैं वो तो मुझे नहीं पता, आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा कि क्या कहते हैं इस चूल्हे को, लेकिन इसने मतलब पूरे घर को इसने आग जलाई, और 5 मिनट के अंदर इस पूरे घर को, इसने पूरे कमरे को और 2-3 रूम्स को इसने गर्म कर दिया। और इन भाई साहब का नाम है दोरजी सर। दोरजी इस इबिक्स होम स्टे के ओनर थे। इन्होंने मुझसे 800 रुपए पर नाइट का लिया, जिसमें इन्होंने मुझे डिनर दिया, 2 बार सूप दिया, 3-4 बार चाय दी, और बहुत सारी चीजों के बारे में इन्होंने मुझे बताया जो मैं कैमरे पे रिकॉर्ड करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया था। और ये यहाँ पे अपनी खेती बाड़ी वगैरह भी करते हैं, काफी सारी चीजें होती है, बाहर का माहौल है, कई लोग हैं यहाँ पे जो होम स्टे चलाते हैं, रन करते हैं। आजकल ये कॉन्सेप्ट में बहुत चल गया है होम स्टे, है ना। यहाँ पे क्या करते हैं लोग, अपने घरों में रूम्स बना देते हैं, घर की ज़मीनें बड़ी बड़ी होती हैं, रूम्स बना देते हैं, और लोग होम स्टे में आजकल स्टे कर रहे हैं।
घर की तरह खाना मिल जाता है और सस्ता सारी चीज़ें पड़ जाती हैं। मतलब एक बजट ट्रैवलर के लिए तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस वक्त जो टेम्परेचर है वो करीब करीब 4 डिग्री के आसपास है, 4 डिग्री। और चाय पीने के बाद 1.5 घंटा मैंने रेस्ट किया तो मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि मैं बाहर निकलूं। रजाई से और दो दो रजाई मैंने ली है, एक अंदर कंबल है, ब्लैंकेट है उसके ऊपर रजाई है और एक साइड में और रखी है जो शायद मुझे लगता है मैं रात में होने वाला हूँ। और अभी एक सूप है, ये किस चीज़ का सूप है मुझे मालूम नहीं, आई थिंक ये थप्पा है शायद। हमारे यहाँ इस सूप को वेजिटेबल सूप बोलते हैं, इन लोग के यहाँ शायद थप्पा बोलते हैं, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट मैं पता करके ज़रा पूछूंगा कि इस सूप को क्या बोलते हैं। बाल बाल देख रहे हैं एकदम, मतलब हेलमेट लगाए लगाए 8-8.5 घंटा मुझे उस सड़क ने उस रोड ने बिल्कुल थका दिया है। और मैं एक बात बताऊं, जो होम स्टेज लोग जो चलाते हैं ना, ये सब कुछ जो चलता है क्योंकि इंटरनेट पे तो ये होते नहीं है तो इनको ढूंढना वैसे मुश्किल होता है, तो ये चला इनकी जो इनका बात करने का तरीका, हॉस्पिटैलिटी जो होती है वही सब कुछ होती है। इतने प्यार से आदमी बात कर रहा है हमसे कि मैं क्या बताऊँ आपसे कि खैर, लेकिन बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। भाई साहब बहुत मुश्किल से रजाई गर्म हुई थी और इन्होंने खाने के लिए बुला लिया। खाने के लिए लेट इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये लगाएंगे तो मेरे ख्याल से सभी के लिए लगाएंगे, ऐसे भी होता, अभी देखते हैं आगे। क्या नाम है आपका? इशी डोलमा। यहाँ की ओनर है इबिक्स होम स्टे की, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, सारा सामान खा के लेकर आई, मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया और अब हम लोग यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। इस गांव के सीनिक व्यू की खूबसूरती के मैं शायद कैमरे से जस्टिस ना कर पाऊँ। बाइक रेडी हो चुकी है, बस हेलमेट आना बाकी है। हॉस्पिटैलिटी बहुत अच्छी है लोगों की। मैं जिस होम स्टे में रुका था उसका नाम है इबिक्स होम स्टे दौरजी गाइड और ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, अगर आप लोग को आना हो तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इनसे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि प्यार से बात करते हैं, ऐसा नहीं कि होटल्स के तरीके, नहीं ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। वैसे सब इस होम स्टे को अलविदा कहने का वक्त आ गया है और अब मैं जा रहा हूँ काजा के लिए। काजा इस अप्रोक्सीमेटली ओके बेटा बाय। इस गांव का नाम था लोसर। लोसर अगर आप मनाली से काजा के लिए जाएंगे तो फर्स्ट विलेज जो पड़ेगा वो लोसर पड़ेगा। और बताते हैं, ऐसा बताया कि मुझे दौरजी जो गाइड थे वहां के, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहां पे टेम्परेचर जो होता है वो -40 के आसपास चला जाता है, -40। तो उसमें फिर बताते हैं कि यहाँ पे कुछ काम नहीं होता और सब जो है वो 3-4-6 महीने या शायद 4 महीने के लिए सब बंद हो जाता है। तो मैंने इनसे पूछा कि क्या आप लोग कहीं चले जाते हैं, कहा नहीं हम लोग यहाँ पे रहते हैं और ग्राउंड फ्लोर से ये लोग फर्स्ट फ्लोर पे चले जाते हैं क्योंकि ग्राउंड फ्लोर के आसपास और काफ़ी जगह पे इधर उधर बर्फ गिर जाती है जहाँ पे चलना भी इनका मुश्किल हो जाता है। तो बताते हैं कि हम लोग अपना तकरीबन 4-5 महीने का फूड और पेट्रोल और काफ़ी सारी चीज़ें जो भी इनके एसेंशियल है वो सब ये लोग जमा करके रखते हैं। और वहीं पर रहते रहते मैंने कुछ लाइंस लिखी थी। हमारे मन में कोई डर हो या हमारा हौसला हो, हमारे मन में कोई शक हो या हमारा विश्वास हो, हमारे मन में नफरत हो या मन में समाई करुणा हो, हमारे मन में कोई स्वार्थ हो या दूसरों के प्रति सहयोग की भावना हो, हमें बेशक इसका एहसास ना हो लेकिन हमसे हमारे मन का हर भाव हमसे 4 कदम आगे चलता है। हमें जो भी शख्स मिलता है वो हमसे मिलने से पहले हमारे अंदर के भावों से मिलता है, हमारे अंदर के भाव को तौलता है। जिस तरह हम लोगों को चुनते हैं ठीक उसी प्रकार बाकी लोग भी हम ही को चुन रहे होते हैं।
लोग हमसे मिलना चाहते हैं या नहीं, हमसे जुड़ना चाहते हैं या नहीं, ये सब वो हमारे इन्हीं भावों से तय करता है। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, खूबसूरती भी चार चांद हो रही थी। एक जगह ऐसी आई जहाँ पे मैं कुछ देर के लिए रुका और 10-15 मिनट बैठ के सोचने लगा कि यार हम क्या चीज़ पाने के लिए क्या छोड़ रहे हैं। पर सच्चाई तो यही है। जिस चीज़ को दिखाने के लिए मैं यहाँ पर रुका हूँ, आप ज़रा देखिए सामने, ये हैं स्नो माउंटेंस, ये हैं ब्लैक माउंटेंस, ये हैं ब्लैक माउंटेंस, और ये खूबसूरत सी रोड, और ये मैदान है चारों तरफ। यहाँ पे आप फुटबॉल ग्राउंड तक बना सकते हैं, इतना बड़ा बड़ा सारी चीज़ें। और वहीं से इस माउंटेन के बगल से एक नदी बह रही है। बहरहाल वहाँ पे तो मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन ये खूबसूरत नज़ारा भाई जी, आपको वही जिंदगी मिली है जिसे जी सकने की पूरी तैयारी आपकी आत्मा के पास है। आप बस हौसला बनाए रखिए, उम्मीद कायम रखिए, कोशिशें जारी रखिए, रास्ते खुलते जाएंगे। कल रात में मैंने अपना GoPro चेक किया और मैंने ये देखा कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा था GoPro, उसको जस्टिस नहीं है। अभी जहां मैं खड़ा हूं, ये भी इतनी खूबसूरत जगह है, इतनी शांत है, पीस है कि यहाँ से जाने मन नहीं कर रहा है। कि मन कर रहा है कि यहाँ 1-1.5 घंटा यहीं पे बैठा जाए, यू नो, कुछ गाने वाने सुना जाए, जूम का कह रहे हैं। इंटरनेट बहरा यहाँ नहीं चल रहा है, यहाँ पे काम नहीं कर रहा इंटरनेट, लेकिन अभी क्या खूबसूरत जगह है यार। अगर आप मई, जून या जुलाई, इन 3 महीनों में से आए, तो आपको बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। और 1-1.5-2 महीने के लिए तो यहाँ पे आया जा सकता है, इन इलाकों में रहा जा सकता है। जैसे तैसे कैसे मैं काजा पहुंच गया, सेम डे पहुंच गया। लेकिन जैसे मैं पहुंचा, मैंने देखा कि इतनी तंग गलियां हैं, मैं मुझे तो लगा था कि बर्फ के पहाड़ होंगे, एक सुकून की जिंदगी होगी, लेकिन वहां पे वही चंडीगढ़, दिल्ली और यूपी के सारे लोग दिखाई दे रहे थे। और जितना रास्ता अच्छा लोसर से काजा निकले था या मनाली से काजा आने के लिए था, उतना कोई खूबसूरत रास्ता मुझे काजा से शिमला जाने के लिए नहीं मिला। हाँ, बहरहाल मुझे कुछ जगह मिली, रास्ते मुझे बहुत अच्छे मिले, लेकिन जो सीनिक व्यू थे वो मुझे इतने अच्छे नहीं लगे जितने अच्छे मनाली से काजा जाने के लिए थे। और ये काजा का एग्जिट गेट है और यहां से मैंने काजा को छोड़ दिया।